एक और मेथड से भी लिख सकते हो आप इसे लिख सकते हो चेंज इन लीनियर मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आल्सो रिप्रेजेंट इंपल्स ठीक है आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी ठीक है फोर्स इंटू डी टी एक्चुअली ये फोर्स जनरली क्या होती है वेरिएबल तो न्यूमेरिकल्स में हम इस वेरिएबल फोर्स को कंसिडर करने की जगह हम सिर्फ एवरेज फोर्स ले लेते हैं जब एवरेज फोर्स लेते हैं तो हम फिर इस इंटीग्रेशन को हटा सकते हैं टू वेरिएबल फोर्स ओके तो मेरे ख्याल से आपको रिलेशन याद हो गए इंपल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इन टू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ठीक है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे फोर्स इनटू टाइम यानी कि न्यूटन सेकंड या चेंज इन मोमेंटम यानी कि मोमेंटम के यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड ओके अगर इसका डिमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो जो लीनियर मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी मास का एम वेलोसिटी का एल टी माइनस वन ओके अब एरिया अंडर एफटी अस इंपल्स एरिया अंडर एफटी ग्राफ गिव्स इम्पल्स मींस मान लीजिए हम एक ग्राफ दिया है जिसमें एक्स एक्सिस के टाइम है वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स है ठीक है फोर्स कुछ ऐसे वेरी की तो उस केस में इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा दैट एरिया विल गिव अस इम्पल्स एरिया अंडर एफ ग्राफ विल गिव अस इम्पल्स इम्पल्स के कुछ एग्जांपल्स अगर हमें किसी क्रिकेट बॉल को या कोई भी बॉल को कैच करना है तो हम कैच को थोड़ा लंबा पकड़ते हैं मींस अपने हाथों को थोड़ा पीछे को मूव करते हैं मूव करने का पर्पस क्या होता है कि टी की वैल्यू इंक्रीज कर जाए जब टी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एफ़ की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी हमारे हाथों के ऊपर चोट नहीं लगेगी ठीक है और ऐसे ही रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको आती हैं जैसे जो ट्रेन के जो बुग हैं, उनके अंदर बफर्स लगे होते हैं ऐसे ये ट्रेन की बुगी है तो यहाँ पे बफर लगा होगा ये दूसरी बुगी, और तो यहाँ पे ये बफर लगा हुआ है जब ट्रेन रुकती है तो ये दोनों बुगेज आपस में टकराती हैं। और टकराने के टाइम पे इम्पैक्ट कम लगे तो यहां पर बफर्स में हाई विस्कोसिटी का फ्लूड भरा रहता है ताकि जो टाइम ऑफ इंपैक्ट है वो बढ़ जाए और जो फोर्स है जो झटका है वो कम महसूस हो ठीक है सिमिलरली हम जो स्कूटर कार सभी वहीकल्स में शॉकर्स यूज करते हैं उनका भी बेसिक पर्पज टाइम ऑफ इंपैक्ट को बढ़ाना होता है ताकि फोर्स की वैल्यू को कम किया जा सके ओके अब निम्स में एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि एक बॉल ऊपर से नीचे गिरी और फिर ये वापस यहाँ तक पहुंच गई मतलब यहाँ पे स्पीड वी थी स्पीड यहां पर वी थी ठीक है अगर जो टकराने का टाइम मान लो आपको वन मिली सेकेंड दिया हो तो बताओ इस केस में इम्पल्स कितनी होगी अक्सर होता क्या है स्टूडेंट्स कहते हैं जी वेलोसिटी स्पीड नीचे को भी थी वापस स्पीड भी थी इम्पल्स का फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम का मतलब एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल वी फाइनल और वी इनिशियल सेम है तो इसका मीनिंग मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया यानी कि इम्पल्स की वैल्यू जीरो होगी बट नहीं बच्चों बेसिकली इम्पल्स इज ए वैक्टर क्वान्टिटी तो जब यहाँ पर इस बॉल ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया तो बेसिकली यहां पर चेंज इन वेलोसिटी 2mv एम हो गया क्लियर इनफैक्ट आप माइनस साइन डाल सकते हो ठीक है माइनस डालना या ना डालना वो आपके सिर्फ साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करेगा कि आपने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव माना है तो ये ध्यान रखना है कि चेंज इन इम्पल्स इज ट्वाइस इन दिस केस इंस्टेड ऑफ जीरो सिमिलरली इसका एक और नमेरिकल आता है एक दीवार दीवार के ऊपर एक बॉल की, और के वापस चली गई जनरली न्यूमेरिकल्स में ये एंगल सेम रिया होता है यहां पर समझाने के लिए मैं लेटे से इस एंगल को 30 डिग्री ले लेता हूं ओके okay? अब ध्यान से देखिए अगर ये बॉल इधर को आ रही थी विद इनिशियल मोमेंटम एम एमयू तो ये वापिस गई इस तरफ एंड इस बार मोमेंटम फिर से कितना है एम यू मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन में चेंज है एंड द क्वेश्चन इज वट इज इम्पल्स इन दिस केस इस बार जे की वैल्यू क्या रहेगी बेटा अब ध्यान से देखो यहां पर जो वेक्टर क्वांटिटी को ध्यान में रखना है जो मोमेंटम है उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे ये अगर एंगल थर्टा है तो ये भी एंगल थीटा होगा तो ये कंपोनेंट कितना आएगा एम यू कॉस थीटा इधर ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा एम यू साइन थीटा सिमिलरली यहाँ पर भी मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स आएंगे एक इस तरफ और एक नीचे की तरफ अगर ये एंगल थर्टी है तो आई थिंक सो ये एंगल भी थर्टी होगा कॉस मॉडिंग एंगल्स ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा एम यू कास थर्टी और इसे एम यू लिख लूँ तो ये कितना हो जाएगा एम यू साइन थर्टी अब अगर ध्यान से देखें तो एम यू साइन थीटा या साइन थर्टी जो मर्जी कह लो थीटा की वैल्यू ही थर्टी ली है ये दोनों कंपोनेंट्स सेम ही डायरेक्शन में थे इनमें कोई चेंज नहीं आया मीन्स देर इज नो चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग पैदल टू दॉल बट अगर एमयू कॉस्टा को देखें तो पहले वो टू वर्ड वॉल था अब यह अवे फ्रॉम वॉल है वाला कॉम्पोनेंट है इसमें चेंज आ रहा है चेंज इन डायरेक्शन ऑल दो मैग्नीट्यूड मीन्स सेम जैसा कि हमने अभी किया तो अगर अब इसका चेंज लिखेंगे तो वो कितना आएगा टू एमयू थीटा, ठीक है ये याद रखना है डायरेक्टली बार बार ड्राइव नहीं करना कि जो लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट दीवार के वॉल के पैरल होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता वजह चेंज क्यों नहीं आता ये दीवार है ठीक है अब जब दीवार के साथ ये बॉल को लाइड की तो ये लीजिए बॉल ठीक है तो इन दोनों में जो आपस में फोर्सेस लगेंगी वो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो नॉर्मल रिएक्शन है आज ये नॉर्मल रिएक्शन जो दीवार के दीवार ने वॉल दीवार ने बॉल पे लगाया और ये आर डैश जो बॉल ने वॉल पे लगाया अब ये दोनों इस सरफेस के परपेंडिकुलर है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी तो मोमेंटम तो उसी डायरेक्शन में चेंज होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि दीवार के पैरेलल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ सकता क्लियर मींस जो हम यहां पर चेंज लिखेंगे मोमेंटम का चेंज वो होगा एमयू कॉस सीटा मल्टीप्लाई बाय टू ठीक है एमयू साइन थीटा वाले कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा एंड नाउ वी हैव एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन अ लिफ्ट एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन अट बेसिकली बेटर एपरेंट वेट मेजर क्या करता है इट इज प्रजेंट रिएक्शन फोर्स एग्जेड बाय फ्लोर ऑफ द लिफ्ट मीन्स मान लीजिए मेरे पास ये एक लिफ्ट है इस लिफ्ट में हमने ये वेइंग मशीन रखी है और इसके ऊपर ये एक पर्सन खड़ा है जो सिचुएशंस हैं उसमें केस वन अगर लिफ्ट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए चाहे रेस्ट पे हो ठीक है तीनों सिचुएशंस प्रोवाइडेड सिंगल कंसेप्ट है लॉसटी रिमेंस कांस्टेंट। तो उस सिचुएशन में बॉडी का वेट एम जी लगेगा नीचे को और फ्लोर इसे रिएक्शन प्रोवाइड करेगा ऊपर को नेट फोर्स विल बी जीरो एम जी विल बी इक्वल टू आर यानी कि जो एपजेंट वेट है जिसे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एम जी की इक्वल है एम जी क्या है एक्चुअल वेट यानी कि एब वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट और लिफ्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट विलासिटी सेकेंड केस अगर लिफ्ट अगर लिफ्ट ऊपर को जा रही है विद सर्टन एक्सरेशन तो क्या होगा तो इस केस में फिर से अगर हम फोर्सेस बनाएं तो एम जी विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन अब ध्यान से देखो क्योंकि लिफ्ट के अंदर ये पर्सन है और ये पर्सन भी ऊपर को जा रहा है इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए यानी कि शुड बी ग्रेटर देन एम जी यानी कि इस केस में अगर मैं इक्वेशन लिखूं आर माइनस एम जी नेटफोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम इंटू जी प्लस ए तो ये क्या है एपरेंट वेट तो इस केस में एपरेंट वेट की वैल्यू आगे से बढ़ जाएगी एक्चुअल वेट से बढ़ जाएगी केस थ्री अगर ये लिफ्ट अगर ये लिफ्ट नीचे आए तो ये डायग्राम में थोड़ा कपला हो गया मैनेज कर लेना तीन टांगे नहीं होती टांगे तो दो, दो ही होती है भाई अगर ये लिफ्ट नीचे को आ रही हो विद एक्सरेशन ए तो उस केस में फीबॉय डायग्राम कैसे बनेगी एम जी नीचे को नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को अब क्योंकि लिफ्ट नीचे को आ रही है बंदा भी नीचे को आ रहा है तो इट मींस दैट mg ज्यादा होनी चाहिए मींस mg minus r शुड बी इक्वल टू m into a यानी कि r की वैल्यू कितनी हो जाएगी m into g minus a यानी कि इस केस में जो अपप्रेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वो एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा केस फोर अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही हो अगर लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही हो फ्रीली फॉल का मतलब क्या है कि इस केस में ए की वैल्यू भी जी के इक्वल हो जाए तो उस केस में अगर मैं यही सेकंड लास्ट वाला रिजल्ट यूज कर लूँ तो उस केस में ए की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर दूंगा एपरेंट वेट ए की वैल्यू जी के इक्वल एम इंटू जी माइनस जी विच इज जीरो यानी कि इस केस में एपेंट वेट कितना हो जाएगा जीरो केस फाइव अगर लिफ्ट को हम नीचे से खींच रहे हैं मीन्स इस बार लिफ्ट नीचे को जा रही है बट उसकी एक्सरेशन एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज्यादा है केस तो यही आएगा डाउनवर्ड मोशन वाला एप्लेट वेट वाला इसी को दोबारा तो से लिखूंगा बट सिर्फ चेंज क्या करूंगा या जो कंसेप्ट समझेंगे वो क्या है एम इंटू जी माइनस ए अब ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ए की वैल्यू जी से बड़ी है इनकी इस केस में जो एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन है वो नेगेटिव हो जाएगा फिजिकली इसका क्या मीनिंग है फिजिकली लिफ्ट ज़्यादा तेजी से नीचे जाएगी और बंदा धीरे धीरे जाएगा बंदे में मैक्सिमम एक्सरेशन एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो सकती है तो इस केस में बंदा समझो छत के साथ ऊपर को चिपक जाएगा जिसकी वजह से अब अपरेंट वेट पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा पिछले वाले कंसेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे ठीक है कंसेप्ट बिल्कुल सेम है सिर्फ जो नाइकल में पूछा जाता है वो टाइप थोड़ी डिफरेंट है एक्चुअली इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें मंकी किसी रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ मंकी क्लाइंबिंग तो सिचुएशन ऐसी है कि ये एक रस्सी है जिसके ऊपर एक मंकी क्लाइंब कर रहा है ठीक है ये मंकी ये उसकी टेल तो मंकी इसके ऊपर क्लाइंब कर रहा है अगर मंकी की स्पीड कांस्टेंट है चाहे वो ऊपर है चाहे नीचे है उस केस में इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी मंकी का वेट एम जी नीचे को लगेगा और टेंशन यहां पर ऊपर को लगेगी तो एम जी एंड टी इस केस में इक्वल हो जाएंगे ठीक है बट सेकेंड सिचुएशन अगर मंकी ऊपर को जा रहा है विद एक्सेशन ए मंकी ऊपर को जा रहा है यानी कि ऊपर वाली फोर्स ज्यादा हो जाएगी यानी कि टी माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू एम ए मीन्स टी इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए अगला केस अगर मंकी कॉन्स्टेंट एक्सेरेशन से नीचे को आ रहा है अगर वो नीचे को आ रहा है तो नीचे वाली फोर्स ज़्यादा हो जाएगी यानी कि एम जी ज्यादा हो जाएगी यानी कि इस केस में एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा यानी कि T की वैल्यू कितनी आ जाएगी m इंटू जी माइनस ए मीन्स अगर मंकी ऊपर हो जाएगा तो एक्सरेशन बढ़ती है ये पॉजिटिव साइन शो कर रहा है अगर मंकी नीचे को आएगा सर्टेन एक्सरेशन तो टेंशन इन द स्ट्रिंग या रोप विल डिक्रीज जी तो एक सिमिलरली एक और सिचुएशन आती है कि अगर एक रेलवे की बुग्गी या कोई कैरेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो वे सर्टन एक्सलेशन और यहां पर एक पेंडुलम हैंग किया हुआ है क्वेश्चन आता है कि बताइए इसकी इस पेंडुलम की इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी ओके okay? अब सिचुएशन क्या है जब ये कैरेज आगे को जाएगा तो बेसिकली ये पेंडुलम पीछे को जाएगा कुछ यहां पे राइज कर जाएगा अस से दिस एंगल इज थीटा तो इस केस में एमजी लगेगा नीचे को टेंशन लगेगी इस तरफ अभी मैंने फ़ोर्स का कंसेप्ट नहीं करवाया तो उसके बिना करूंगा तो टी के दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं ये कौन सा ये एंगल थीटा आएगा ये कंपोनेंट कितना आएगा t साइन थीटा ये कितना आएगा इधर T cos थीटा अब MG और T इक्विलिब्रियम पोजीशन में बैलेंस हो जाएंगे एंड व्हाट अबाउट T साइन थीटा देखो बेटा इस डायरेक्शन में क्या आती है एक्सलेशन a तो T साइन थीटा जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सरेशन प्रोवाइड करेगा यानी कि कितनी फोर्स लगेगी एम इन टू ए अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी दिस बाय दिस एम ए बाय जी एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए बाय जी तो यहां से जो थीटा आएगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन का एंगल आ जाएगा अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, एम जी स्क्वेयर प्लस एम ए स्क्र तो मेरे पास क्या आ जाएगा टी स्क्स्क थीटा प्लस टी स्क् साइंस थीटा कॉस्के थीटा प्लस साइन थीटा वन हो जाएगा यहाँ क्या बचेगा टी स्क्र यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट ऑफ एम स्क्र जी स्क्वेयर प्लस एम स्क्र ए स्क्र एम को हम रूट से बाहर रख सकते हैं एम इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्र प्लस ए स्क्र This will represent tension in the string in equilibrium position when bogey is accelerated horizontally with acceleration A.